वेलकम बैक टू द केमिकल साइंस का ये वीडियो काफ़ी दिन बाद बन रही है, लेकिन अब हम लोग कंटिन्यू रहेंगे। तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, कायरल कंपाउंड बट नो स्टीरियोजेनिक सेंटर। हमारे पास जो मॉलिक्यूल होगा, जो कंपाउंड होगा, वो कायरल होगा, लेकिन उसमें कोई भी कायरल कार्बन नहीं होगा। स्टीरियोजेनिक सेंटर का मतलब कायरल कार्बन या फिर कायरल सेंटर कह सकते हैं आप। तो अगर हम पिछली वीडियो के अकॉर्डिंग बात करें, तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अगर हमारे पास कोई इधर भी आ ले लेते हैं, जैसे पिछली वीडियो के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, अगर किसी कार्बन से फोर डिफरेंट एटम या ग्रुप जुड़ा होता था, तो यह कार्बन होता था हमारा कायरल, और ये पूरा मॉलिक्यूल हो जाता था हमारा कायरल मॉलिक्यूल। इसकी आरएस नॉमिनेचर हम कर सकते थे, इसका आरएस नॉमिनेचर हम कर सकते थे। लेकिन आज हम कुछ ऐसे कंपाउंड देखेंगे जिसमें कायरल कार्बन नहीं होगा, लेकिन उसकी फिर भी हम आरएस नॉमिनेचर करेंगे। तो ऐसे कंपाउंड हैं एलीन। आज किस वीडियो में बात करेंगे एलीन पर, और है स्पाइरेन और है बाइफेनाइल, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में बात करते हैं एलीन। तो एलियन शुरू करने से पहले आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर तो आपको दिख ही रहा होगा, चलिए बताते हैं। स्ट्रक्चर आपको इस तरह से दिखेगा, C डबल बॉन्ड C, ये दो से शुरुआत होगा, एटलीस्ट इसमें दो एडजेसेंट में डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा एलियन सिस्टम। यहाँ पर एडजेसेंट में लगातार इसमें तीन डबल बॉन्ड भी हो सकता है, और इसमें चार डबल बॉन्ड भी हो सकता है। ये हो जाएगा हमारा एलियन का स्ट्रक्चर। अब इसके आरएस नॉमिनेचर देखना है कि इसमें हम, ये कंपाउंड कायरल है तो इसमें आरएस नॉमिनेचर हम कैसे कर सकते हैं, इसको हमें देखना है। तो आरएस नॉमिनेचर करने के लिए, आरएस नॉमिनेचर हम यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे, फिर इसका करने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहली है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो इवन होना चाहिए। इवन मतलब दो चार छः इस तरह का, जैसे कि यहाँ पर एक दो डबल बॉन्ड दो है, यहाँ पर दो है, यहाँ पर दो है, ये एग्जाम्पल है। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम उस कंपाउंड का आरएस नॉमिनेचर कर सकते हैं। अगर इसमें से किसी एक का भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम उसमें आरएस नॉमिनेचर नहीं कर सकते। तो कंडीशन देखेंगे, सबसे पहले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है हमारा इवन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, वन साइड वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, एक तरफ इसके वेज डैश रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अगर चारों बॉन्ड प्लेन पर दिखाया है, एक दो तीन चार ये वाला, अगर चारों बॉन्ड प्लेन पर है, जैसे कि यहाँ पर ये दोनों प्लेन पर, तो ये हमारा हो जाएगा एक कायरल मॉलिक्यूल, इसमें हम आरएस नॉमिनेचर नहीं कर सकते। उसमें ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, दो हो गई। अब हम तीसरी देखते हैं कि ए नॉट इक्वल टू बी, ए डैश नॉट इक्वल टू सी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। और यहाँ पर लिखा है ए डैश नॉट इक्वल टू बी डैश, इधर भी ये दोनों आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं, इधर एच है, इधर सी ओ ओ एच है, इधर एच है, इधर सी एल है, ये दोनों आपस में इस तरह के जो हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। अगर यहाँ पर सी एच थ्री है और यहाँ पर भी सी एच थ्री है, तो उसमें आरएस नॉमिनेचर में नहीं कर सकते, वो मॉलिक्यूल एकायरल हो जाएगा, वो कायरल नहीं रह जाएगा। तो ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो उसमें आरएस नॉमिनेचर हम कर सकते हैं। इसका कुछ एग्जांपल यहाँ लिखा है, इसको हम करके देखते हैं। हाँ, अब बात करते हैं, इसमें कायरल सेंटर है नहीं, कायरल कार्बन है नहीं, तो इसका आरएस नॉमिनेचर हम करते कैसे हैं, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे? तो इसके लिए हम एक एक्सिस पास करते हैं यहाँ से, इसे हम कहते हैं कायरल एक्सिस। इस एक्सिस की वजह से इस मॉलिक्यूल में कायरलिटी आती है, इस एक्सिस की वजह से इस मॉलिक्यूल में कायरलिटी आती है, और ये मॉलिक्यूल हो जाता है हमारा कायरल मॉलिक्यूल। अब इसका आरएस नॉमिनेचर हम कैसे करते हैं, तो यहाँ से कि इसका हेड पोर्शन, ये इसका टेल पोर्शन, जो इसका टेल पोर्शन है यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। नंबरिंग हम आरएस नॉमिनेचर में जैसे करते थे वैसे ही करेंगे, ये सब हम पिछली वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबरिंग हो जाएगी, इधर हाइड्रोजन है, इधर कार्बन है, तो इसकी नंबरिंग हो जाएगी 1 और इसकी हो जाएगी 2। सबसे पहले हमें टेल वाले पोर्शन पर दोनों को नंबरिंग कर लेना है, इधर हो गया इसको 1 देंगे तो इसको बगल वाले को 2। अब इन दोनों में देखना है कि इसमें किसको जाएगी नंबरिंग नेक्स्ट में, इधर 1 2 हुआ है तो इसे इधर जाएगी 3, ये 3 हो जाएगा और ये लास्ट बचेगा 4। अब हमें मूव करना है 1 2 3, 4 को हम निगलेक्ट करेंगे, इधर हम गए 1 2 और ये हम गए 3 साइड। अभी हमारा
मूवमेंट हो गया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा हमारा आर कॉन्फिगुरेशन। अब दूसरा देखते हैं, इसमें भी पहले हम कायरल एक्सिस इस तरह से पास कर लेंगे। हाँ, कायरल एक्सिस हम पास कहाँ से करेंगे, ये जो हमारा वेज डाइस रिप्रेजेंटेशन होगा इसके अपोजिट साइड से, ये जो वेज डाइस रिप्रेजेंटेशन है इसके अपोजिट में इसका टेल वाला पोर्शन होना चाहिए। अगर हम कायरल एक्सिस यहाँ से ऐसे पास करके इसका हेड वाला पोर्शन इधर नहीं दिखा सकते, क्योंकि इसमें वेज डाइस रिप्रेजेंटेशन है इधर है, तो इसका कायरल एक्सिस का हेड उधर ही होगा हमेशा। तो इसमें आर एस करते हैं, अभी इन दोनों में से नंबरिंग बन जाएगी इसकी, इसको हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। अब हमें 1 2 3 मूव करना है, 1 2 3 इस तरह से, ये भी हो जाएगा क्लॉकवाइज, ये हो जाएगा आर कॉन्फ़िगरेशन। इसका देख लेते हैं, इधर कार्बन है, एम ई का मतलब इधर भी CH3 है और इधर CME3 है, यानी कि ये बड़ा ग्रुप है, इसकी नंबरिंग हो जाएगी 1, फिर इसके बाद इसकी हो जाएगी 2, इसकी हो जाएगी 3, इसकी हो जाएगी 4। हमें 1 2 3 मूव करना है, 1 2 1 2 3 इस तरह से, ये गया है एंटी क्लॉकवाइज इसकी, तो इसका नॉमिनेचर हो जाएगा S। लेकिन हमें फोर्थ पोजीशन देखनी है, तो ये फोर्थ पोजीशन जो हमारी हमेशा बिलो द प्लेन होनी चाहिए। हम पिछली वीडियो RS जब पढ़ाए थे उसमें हमने सीखा था RS नॉमिनेचर, हम जैसे नंबरिंग करते हैं जैसे जो करते हैं वो सेम रहेगा, फोर्थ पोजीशन प्रॉपर पोजीशन नहीं है, इसलिए हम इसे कन्वर्ट कर देंगे R में। फोर्थ पोजीशन अगर डैश पर होती है तो जो नंबरिंग जो होता है R होता तो R, यस होता तो यस, अगर फोर्थ पोजीशन एबव द प्लेन होती है तो हम इसको अपोजिट कर देते हैं। अब कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद कुछ कर, तो अब कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं हम यहाँ से। तो ये रहा हमारे पास, ये हम जब भी कोई क्वेश्चन करेंगे तो अपने वही तीन कंडीशन को माइंड में रखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले कंडीशन क्या थी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इवन, ये इवन है ठीक है, और दूसरी थी वेज डाइस रिप्रेजेंटेशन, इसमें वेज डाइस रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो यहीं पर हो जाएगा ये एकायरल, जो एकायरल होता है उसमें हम आर एस नॉमिनेचर नहीं कर सकते। हाँ, अब इसमें आते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इवन है ठीक है, वन साइड चाहे वो इस साइड हो चाहे इस साइड हो वेज डाइस रिप्रेजेंटेशन है, इधर भी है चलिए ठीक है, और उसमें लिखा था ए नॉट इक्वल टू बी, यानी जो इधर हमारा लेफ्ट में था ये दोनों आपस में बराबर नहीं होने चाहिए, तो यहाँ पर ये दोनों बराबर है, इधर भी सी एल है इधर भी सी एल है, यानी दोनों सेम है, तो ये भी हो जाएगा हमारा एकायरल। इसमें भी आर एस नॉमिनेचर हम नहीं कर सकते, हम आर एस नॉमिनेचर उसी जगह करेंगे जो हमारा मॉलिक्यूल कायरल होगा। और ये 6 एंड 7 जो पहले मैंने 3 एग्जांपल कराए थे वैसे ही है, ये लोग आप लोग इसको करेंगे और इसका आंसर कमेंट में कमेंट करेंगे। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, बस सेम ही है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इवन देखना है, 1 2 3 4 4 है तो इवन है, और एक साइड में वेज डाइस रिप्रेजेंटेशन है और ये दोनों इस साइड और ये दोनों इस साइड में बराबर नहीं है बस, तो हम इधर से अब कायरल एक्सिस पास कर देंगे। अब चाहे इसमें डबल बॉन्ड 2 हो चाहे 4 हो उसे नहीं मतलब हमें, बस इवन होना चाहिए, तो बाकी आर एस नॉमिनेचर वैसे ही करना है। देखो बी आर सी एल में, तो इसमें से इसको प्रायोरिटी 1 देंगे, इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, इससे इसका 2 हो जाएगा, और इसमें इसको 3 देंगे और इसको 4th, 1 2 3 मूव कर दूँ, 1 2 3 मैं फोर्थ को नहीं मूव कर रहा हूँ क्योंकि फोर्थ कभी कभी ऊपर आ जाता है तो मूव करने में दिक्कत आती है, 1 2 3 हमें मूव करना रहता है तो सही रहता है। देखो 1 2 3 हमने मूव किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फोर्थ पोजीशन प्रॉपर है, तो ये हो जाएगा हमारा आर कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब नौवां करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9, तो इधर देखिए पी एच मतलब इधर एक रिंग है बेंजीन वाली, जैसे कि इस तरह से एक बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है यहाँ पर, इस पी एच का अगर हम मान लें इस तरह से बेंजीन रिंग इससे अटैच्ड है, तो यहाँ पर अगर ये इससे अटैच्ड है तो ये होगा कार्बन, तो इधर है कार्बन, ये जो कार्बन है वो कार्बन से अटैच्ड है, लेकिन ये वाला कार्बन जो बोरोमीन से अटैच्ड है, तो इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो इसको हम यहीं पर प्रायोरिटी दे देंगे 1, और इसके बाद ये वाला हो जाएगा 2, और वैसे ही इधर हो जाएगा, इधर देखिए इधर वही हमारी रिंग है कार्बन है,
फिर उसके बाद जब नेक्स्ट जाएंगे, अगर मान लीजिए यहाँ से अटैच्ड है ये कार्बन है, तो इसके जब नेक्स्ट जाएंगे इधर भी कार्बन मिलेगा, इधर भी कार्बन मिलेगा। ये पीएच अगर मान लीजिए इससे अटैच्ड है यहाँ पर, तो अगर हम इसको प्रायोरिटी देंगे, इधर कार्बन है, इस कार्बन से कार्बन और इस कार्बन से भी कार्बन जुड़ा है, लेकिन अब जब हम एक तरह से जब दोनों साइड सेम ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, इधर भी कार्बन उधर भी कार्बन, तो हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट करते हैं। तो अब हम इधर से नेक्स्ट जाएंगे तो इधर कार्बन, फिर इसके इधर भी कार्बन, दो कार्बन है। लेकिन जब हम इससे आगे बढ़ रहे हैं तो इधर ऑक्सीजन इधर भी ऑक्सीजन, तो इसकी प्रायोरिटी वन हो जाएगी, क्योंकि ये ऑक्सीजन की कार्बन की कार्बन का एटॉमिक नंबर इस कार्बन ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कार्बन से ज़्यादा है। इसको हम नंबर देंगे 3 और इसको देंगे 4। इसको यहाँ हटा देते हैं। अब हमें 1 2 3 मूव करना है, 1 2 3 यहाँ से ये मूव हुआ है क्लॉकवाइज, लेकिन फोर्थ पोजीशन प्रॉपर नहीं है, तो ये वाला हो जाएगा हमारा 8 से यस, और से सही है। अब देखते हैं अगला, इधर हमारा एक कार्बन अटैच्ड है, इधर भी कार्बन अटैच्ड है, एम ई थ्री मतलब तुम्हारा सी एच थ्री 3 बार है, इस कार्बन से हमारा 3 सी एच थ्री अटैच्ड है, जैसे कि इस तरह से इधर सी एच थ्री, इसका मतलब यही है। तो इधर जब हम इसे देखेंगे ये कार्बन है, फिर इस कार्बन से एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन, तीनों कार्बन अटैच्ड है, लेकिन जब इसे देखेंगे इधर एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन, तो कार्बन कार्बन जब रिप्लेस होते जाएंगे तो इधर एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन और इधर बड़ा ग्रुप है, तो इसकी प्रायोरिटी हो जाएगी 1 इसके कंपेरिजन में। ये अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो देखिए, ये पूरा इतना बड़ा सा ग्रुप है और ये इतना बड़ा ग्रुप है, तो इसको नंबर नहीं देंगे 1, इसको देंगे 2 और फिर वही चीज़ इधर है, ये हो जाएगी 3 और ये हो जाएगा 4। अब हमें 1 2 3 मूव करना, इधर से 1 2 3 4 इस तरह से मूव करेंगे, फोर्थ पोजीशन प्रॉपर है, तो ये हो जाएगा हमारा R। तो हो गया ये हमारा। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।